अभी तो जैसे मैंने लास्ट शो से बोला था कि रिस्वॉर्ड ऐसे दिख रहे हैं कि 70-80% स्टॉक्स में बढ़िया बुलिश रिस्वॉर्ड नहीं बन पा रहे हैं, वो एक दुविधा बनी हुई है। रिमेनिंग 10-20% बास्केट में पिक करने जाऊंगा तो फिर मुझे मालूम है कि आई एम प्लेइंग अ लूजिंग गेम, मतलब ज्यादा ज्यादा स्टॉप लॉसेस होने का डर है और टारगेट्स कम आएंगे, इसलिए थोड़ा सा आई थिंक 2-3 महीना वेट कर लेना ज्यादा बेटर है। आई थिंक ये क्लैरिटी हो जाए कि नेक्स्ट 2-3 जो बड़े जो इवेंट्स आ रहे हैं, यूएस इलेक्शन, फेड मीटिंग, उसके बाद ब्रिक्स का जो मीटिंग है, आई थिंक सबसे बड़ा मेरे लिए मार्कर वही है कि जो अक्टूबर में आई थिंक 22 या 24 को ब्रिक्स की मीटिंग है, उसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि सुखबुगाहट ये है कि कोई करेंसी एक लॉन्च हो सकती है कमोडिटी बैग, सो यू नेवर नो चाइना और रशिया के मूड में क्या है ये तभी पता चलेगा। यार आप कह रहे हो 2-3 महीना वेट कर, 2-3 महीना पता है कितना लंबा समय होता, काटना मुश्किल हो जाएगा। सर देखिए यही तो पेशेंस है ना, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज अ पेशेंस गेम। एक रिस्क रिवॉर्ड का जब बड़ा सिनेरियो बनता है, 8 साल का बुल मार्केट आएगा तो लास्ट 8-12 महीने में आपको कभी जब पैनिक है कोविड जैसा तो आपको उस समय लेने की 6-8 महीने सोचनी है, बाद में जब टॉप के आसपास होंगे आप, एक 8-10 साल का बुल मार्केट प्ले आउट होगा तो 6-8-12 महीने आपको बेचने की सोचनी है, और उसके में भी पेशेंस से फिर खड़े रहना है ताकि आपका आपका जो जो भी आपका हाइपोथेसिस अगर प्ले आउट नहीं हो रहा तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, एज लॉन्ग एज यू थिंक कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ट्रैक ही चेंज करना है तो आप करिए, बट जब तक आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये तो काफी स्ट्रेस्ड है मार्केट और थोड़ा करेक्शन मिल सकता है, बेटर रेट्स मिल सकते हैं तो मिल जाएंगे। देखिए अभी मिड कैप्स का क्या हुआ, 3-4 दिन में हाल 10-10% भी गिरे तो 30% 3 दिन में गिर गए, जो साल भर में कमाया 6-12 महीने में जो कमाया है वो एक दिन 3 दिन में चला जाता है, तो वो समझना बहुत जरूरी है कि भाई रिस्क भी है बाजार में, रिस्क फ्री नहीं हुआ मार्केट, एनएससी ने अपने सर्किट्स हटाए नहीं है, वो है लगते हैं जब बाजार गिरता है। जी बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।